पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घूले के निर्देश में अपराध या अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायल खंसी पुलिस को चेकिंग के दौरान वांछित अभियुक्त गणेश वर्मा, विपिन शर्मा, मुकेश शर्मा, पुत्रगण भरत शर्मा निवासीगण भार थाना सरायल खंसी जनपद मऊ के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल के एक लोहे की कुल्हाड़ी एवं फावड़ा बरामद कर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय द्वारा किया गया। आपको बता दें कि भार गांव में एक युवक का शव गांव के पास ही एक कुएं मिलने की सूचना मिली, जिसकी जांच की तो पता चला कि उक्त शव गांव के ही दिलीप पांडे पुत्र रामाश्रय पांडे निवासी थाना सरायल खंसी की है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर पूर्व में ही गुमशुदगी दर्ज किया गया है। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर दो नामजद एवं एक अभियुक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302, 201, 120 बी भादवी का अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही थी। वहीं अभियुक्तों से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताया गया कि योगेश शर्मा, मुकेश शर्मा द्वारा हत्या किया गया है और विपिन शर्मा द्वारा अपनी मोटरसाइकिल योगेश शर्मा को देकर साजिश रचकर हत्या करवाया गया है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने अपराधियों को न्यायालय में पेश किया।